Hey guys, this is Linford, aka Linbra. Welcome to my channel. So, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसको लेकर के मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक बहुत कंफ्यूज रहते हैं. एंड द ओनली क्वेश्चन दैट दे कीप आस्किंग इज कौन सा वे प्रोटीन बेस्ट रहेगा. एज यू नो, फिटनेस मार्केट बहुत ग्रो कर चुका है एंड बहुत सारे न्यू ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द न्यू ब्रांड्स आर रियली डूइंग गुड इन द मार्केट. सो मुद्दा यह है कि मार्केट में बहुत सारे पुराने ब्रांड्स भी हैं जो बहुत फ्लरिश्ड है एंड दे कैरी अ स्ट्रॉन्ग गुडविल इन द मार्केट. सो इस रीजन के कारण मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक का प्रेफरेंस पुराने ब्रांड्स ही रहते हैं. बट उन्हीं में से कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो जैसे क्लेम करते हैं कि उनका प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छा है, उनका प्रोटीन वैल्यू बहुत अच्छा है, वो वैसा नहीं रहता है. एंड सेम चीज़ नए ब्रांड्स के साथ भी है. बहुत सारे नए ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं, अपना गुडविल भी धीरे धीरे बना रहे हैं, बट एट द एंड वो भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं. वो जो क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. सो थ्रू माई वीडियो आई विल शो यू हाउ टू चूज द बेस्ट प्रोटीन पाउडर. सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है शुगर कंटेंट. अगर आपके प्रोटीन पाउडर में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है देन देयर इज़ अ बिग रेड फ्लैग. सो कैसे चेक करें कि आपके चूज़ किए हुए वे प्रोटीन पाउडर में शुगर कंटेंट है कि नहीं? फॉर दैट यू नीड टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करना. अगर आपके वे प्रोटीन के न्यूट्रिशनल लेवल में एडेड शुगर जीरो है या इट्स लेस देन 3 ग्राम देन इट्स अ ग्रीन फ्लैग. सेकेंड, इंग्रेडिएंट्स लेवल चेक करना. बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, वो अपने वे प्रोटीन के न्यूट्रिशनल लेवल में एडेड शुगर कंटेंट कम दिखाते हैं, बट जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स लेवल चेक करने जाओगे उसमें बहुत सारी शुगर के डेरिवेटिव्स रहती है, विच इज़ अ टोटल रेड फ्लैग. सो मेक श्योर दैट जब भी आप कोई भी ब्रांड का वे प्रोटीन परचेस करोगे आप उस ब्रांड का न्यूट्रिशनल लेवल तो चेक करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप इंग्रेडिएंट्स लेवल भी चेक करना बाय अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. मार्केट में 3 फॉर्म्स के वे प्रोटीन है, कंसेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइसेट. अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, फॉर यू वी प्रोटीन आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइसेट आर द बेस्ट ऑप्शन. बिकॉज अगर आप वी प्रोटीन कंसेंट्रेट कंज्यूम करते हो इट कैन गिव यू डाइजेस्टिव इशू एज इट कंटेन्स लैक्टोज. प्लस वी प्रोटीन आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइसेट आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वी प्रोटीन. इवन लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है उनको भी डाइजेस्टिव इशूज होने की चांसेस है अगर वो वी प्रोटीन कंसेंट्रेट कंज्यूम करते हैं. सो फॉर देम वी प्रोटीन आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइसेट आर द बेस्ट ऑप्शन. सेकेंड, बजट. इफ यू आर बजट कॉन्स्टेंट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन ब्लेंड बाय करना. सो बेसिकली वे प्रोटीन ब्लेंड वे प्रोटीन के 2 फॉर्म्स या 3 फॉर्म्स को मिला के बनाया जाता है एंड वे प्रोटीन ब्लेंड्स को परचेस करने की सिलेक्शन क्राइटेरिया भी अलग है. सो अगर आप कोई भी ब्रांड का वे प्रोटीन ब्लेंड बाय करने जा रहे हो मेक श्योर दैट कि वो ब्रांड के इंग्रेडिएंट्स लेवल में वे प्रोटीन आइसोलेट या फिर वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए वे प्रोटीन कंसेंट्रेट से. बिकॉज अगर कंसेंट्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो लैक्टोज की मात्रा भी ज़्यादा होगी और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन है उसकी मात्रा कम होगी. सो मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजन. थर्ड, फिल्ट्रेशन मेथड. अगर आप कोई भी ब्रांड का वे प्रोटीन परचेस कर रहे हो सबसे मेन चीज़ जो आपको उसमें चेक करनी है वो है उसका फिल्ट्रेशन मेथड. बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स अपने बॉक्स में वो चीज़ मेंशन करते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स अपने बॉक्स में वो चीज़ मेंशन नहीं करते. सो बेसिकली फिल्ट्रेशन वे प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ाने एंड लैक्टोज कंटेंट को कम करने के लिए की जाती है सो दैट जो एंड प्रोडक्ट निकले वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में हो. करेंटली सबसे बेस्ट फिल्ट्रेशन मेथड है क्रॉस फ्लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड. मेक श्योर दैट जब भी आप कोई भी ब्रांड का वे प्रोटीन परचेस कर रहे हो उस ब्रांड के बॉक्स में उसका फिल्ट्रेशन मेथड मेंशन किया हो. सो आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखना है बिफोर बाइंग अ वे प्रोटीन पाउडर. सो इफ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.